झारखंड और देश विदेश के खबरों में आप सभी श्रोतागण का तहे दिल से स्वागत है। कोयले से लदे ट्रक ने मोटरसाइकिल को मारी टक्कर, एक की मौत, दो गंभीर रूप से घायल है। रांची डाल्टनगंज मुख्य मार्ग NH 75 के फोर लेन पर ऑक्सब्रिज स्कूल के निकट शनिवार को लगभग 11 बजे एक कोयले से लदे एक ट्रक ने मोटरसाइकिल सवार को अपनी चपेट में ले लिया। इस हादसे में 17 वर्षीय रेशमा फरवीन की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 46 वर्षीय राबीना अंसारी व 40 वर्षीय उसकी पत्नी मुनेजा खातून गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं, जिन्हें आनंद फानंद में रेफर अस्पताल पहुँचाया गया। सभी एक ही परिवार के थे और वे इटकी थाना क्षेत्र के तुरगुरु गाँव के रहने वाले हैं। खबर है जमशेदपुर से। टाटा मोटर्स के कानवाई चालकों को न्यूनतम मंजूरी भी नहीं, 24 घंटे काम के एवज में मिलते हैं 310 रुपये। टाटा मोटर्स कानवाई चालकों को मिलने वाली मजदूरी मामले का निष्पादन आज तक नहीं हो पाया है। इसे लेकर चालकों को एक खेमा ज्ञान सागर प्रसाद के नेतृत्व में वर्षों से संघर्षरत हैं। उनकी मांग, चालकों को न्यूनतम मजदूरी दिलाना है। मांग को लेकर कई दौर की वार्ता प्रशासन और प्रबंधन के साथ हुई, लेकिन उसका निपटारा आज तक नहीं हुआ। चालकों का आरोप है कि उन्हें 24 घंटे का काम के एवज में मात्र 310 रुपये ही मिलते हैं। खबर है रांची से। झारखंड के सीएम का काफिला रोकने का मामला उच्च स्तरीय कमेटी ने DC, SSP, ट्रैफिक SP समेत अधिकारियों ने 3.5 घंटे की पूछताछ, जल्द सौंपी जाएगी रिपोर्ट। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का काफिला रोकने के मामले में राज्य सरकार की ओर से गठित 2 दिवसीय उच्च स्तरीय कमेटी ने शनिवार को रांची के अलावा अधिकारियों से घंटों पूछताछ की। कचहरी स्थित कंट्रोल रूम में राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव KK सोन तथा IG मानवाधिकार अखिलेश कुमार झा ने SSP, DG, ट्रैफिक SP समेत कोतवाली थाने, सुखदेव नगर थाने से इस मामले में 3.5 घंटे पूछताछ की। अभिभावकों की जेब पर पड़ेगा बोझ, प्राइवेट स्कूल कर रहे हैं फीस बढ़ाने की तैयारी। तो आइए जानते हैं खबर को थोड़ी गंभीरता से। प्राइवेट स्कूल ने फीस बढ़ाने की तैयारी प्रारंभ कर दी है। जमशेदपुर अनएडेड स्कूल एसोसिएशन की ओर से शिक्षा सचिव एवं उपायुक्त पूर्व सिंह को पत्र समर्पित किया गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार समर्पित पत्र में 10-12% तक ट्यूशन फीस में वृद्धि की योजना है। BJP के सचेत विरिंची नारायण ने कहा, हेमंत सरकार में उनकी मंत्रियों की भी नहीं सुनते अधिकारी। विधानसभा में BJP के सचेत और बोकारो के विधायक विरिंची नारायण ने कहा है कि राज्य के अधिकारी हेमंत सरकार के मंत्रियों की भी नहीं सुनते हैं। BJP प्रदेश कार्यालय में शनिवार को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में विरिंची नारायण ने कहा है कि अपराधियों का मन इतना बढ़ गया है कि वे मंत्रियों को औकात दिखाने से भी पीछे नहीं हट रहे हैं। यह खबर है जमताड़ा से। जमताड़ा के 6 साइबर ठगी अपराध गिरफ्तार। तो आइए जानते हैं किस प्रकार लोगों को अपना शिकार बनाते थे। साइबर अपराधियों के विरुद्ध जमताड़ा पुलिस का अभियान थमने का नाम नहीं ले रहा है। जहां 2020 में 160 साइबर अपराधी सलाखों के पीछे भेजे गए हैं, वहीं 2021 में भी पुलिस का अभियान जोरों से चल रहा है। शुक्रवार को 6 कुख्यात साइबर अपराधी पुलिस के हत्थे चढ़ गए। नारायणपुर और कर्माटांड थाना क्षेत्र के विभिन्न जगहों पर छापे मारकर पुलिस ने 6 साइबर अपराधियों को दबोचा। पकड़े गए साइबर अपराधियों का पुराना आपराधिक इतिहास भी है, पूर्व में वो जेल भी जा चुके हैं। इसका खुलासा SP दीपक कुमार सिन्हा ने पुलिस मुख्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। 3 IPS अधिकारी के बावजूद धनबाद में नहीं थम रहे हैं अपराध। CM हेमंत सोरेन से मिलेंगे व्यवसायी। धनबाद में एक नहीं बल्कि 3-3 IPS अधिकारी हैं, इसके बावजूद अपराध कम नहीं हो रहे हैं। वीडियो कॉल कर कभी सुजीत सिन्हा गैंग, अमन गैंग तो कभी चूहा के नाम से रंगदारी मांग रहे हैं। 2 माह बीत गए हैं पर एक भी अपराधी गिरफ्तार नहीं हुआ है। रंगदारी के साथ छिनतई, चोरी, डकैती की घटनाएं बढ़ रही है। अपराधी वेलगाम हो गए हैं। धनबाद की लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था पंगु हो गई है। ये पीड़िता धनबाद के फेडरेशन ऑफ जिला चैम्बर ऑफ कॉमर्स की बैठक में सामने आई। इस बाबत चैम्बर पर प्रतिनिधि मंडल जल्द ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलेंगे। देश विदेश और देश की विभिन्न योजनाओं से शराब पर योगी सरकार का बड़ा फैसला, यूपी में बनाया गया नया नियम। बड़ी खबर इस वक्त उत्तर प्रदेश से आ रही है, जहां पर अब घर से ज्यादा शराब रखने के लिए लाइसेंस जारी किया जाएगा। जी हां, अगर आप यूपी के में रहने वाले हैं तो आपको अपने घर में सीमा से ज्यादा शराब रखने के लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा। सूबे के योगी आदित्यनाथ सरकार ने साल 2021-22 के लिए आबकारी नीति जारी कर दी है।
अब पत्थरबाजों की खैर नहीं, घर बेचकर नुकसान की भरपाई करेंगे। सरकार ला रही है नया कानून। मध्य प्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने वाली शिवराज सरकार अब पत्थरबाजों के खिलाफ कड़ा कदम उठाने की तैयारी शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार पत्थरबाजों के खिलाफ कानून बनाने जा रही है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की थी, जिसके बाद आज कानून का ड्राफ्ट तैयार हो रहा है। इस ड्राफ्ट को कैबिनेट की बैठक में जल्द लाए जाने की संभावना है। लद्दाख में फिर चीन की घुसपैठ, पेंगोल झील के पास भारतीय जवानों ने दबोचा चीनी सैनिक। हाल ही में भारतीय सेना ने एक चीनी सैनिक को हिरासत में लिया। 8 जनवरी 2021 को सेना ने भारतीय वास्तविक नियंत्रण रेखा की तरफ एक चीनी सैनिकों को पकड़ा। पेंगोंग त्सो झील के दक्षिणी इलाके में चीनी सैनिकों को पकड़ा गया। पीएलए सैनिक ने भारतीय सीमा रेखा को लांघा, जिसके बाद उसे हिरासत में ले लिया गया। तुष्वी रणनीतिकार वार्ता सफल, फ्रांस ने भारत के सामने रखी खास पेशकश, राफेल डील में हो सकता है बड़ा फायदा। भारत और फ्रांस आपस में सुरक्षा संबंधों को और गहरा करने की तैयारी कर ली है। राजधानी पेरिस ने भारत को मीडिया क्वालिटी हेलीकॉप्टर्स पैंथर के मामले में 100 और राफेल विमानों को लेकर 70% असेंबली लाइन शिफ्ट करने की पेशकश की है। दोनों देशों के बीच हुई चतुर्थवीं रणनीति वार्ता के दौरान यह पेश की गई कि माना जा रहा है कि इस ऑफर की वजह से भारत को राफेल की कीमतों में खासा फायदा हो सकता है। सीएम योगी फिर नोएडा का करेंगे दौरा, 415 करोड़ रुपए की देंगे सौगात। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बार फिर नोएडा जाएंगे। जानकारी के मुताबिक सीएम योगी 25 जनवरी को यूपी दिवस के कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस दौरान नोएडा को 415 करोड़ रुपए की 9 बड़ी योजनाओं की सौगात देंगे। प्रवासी सम्मेलन में बोले सीएम मोदी, प्रवासी भारतीय जहां भी गए भारत और भारतीयता के साथ लेकर गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि आज नई पीढ़ी भले ही जोड़ों से दूर हो गई हो, लेकिन उनका जुड़ाव भारत से बड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस बार कोरोना काल में भारत के लोगों ने शानदार काम किया और ये लोग आपस में लोगों के प्रति मददगार दिखे। इस दौरान भारत के लोगों ने सेवा भाव का परिचय दिया है। भारत का अर्थव्यवस्था हुआ मजबूत, विदेशी मुद्रा भंडार 585 अरब डॉलर के नए रिकॉर्ड पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है। मोदी सरकार की नीतियों के कारण विदेशी मुद्रा भंडार ने एक बार फिर रिकॉर्ड बनाया है। देश का विदेशी मुद्रा भंडार 1 जनवरी को खत्म हफ्ते में 4.683 अरब डॉलर बढ़कर 585.324 अरब डॉलर हो गया है। बालाकोट एयर स्ट्राइक में मारे गए थे 300 लोग, पूर्व पाक राजनयिक ने टीवी डिबेट में कबूला। बालाकोट में हुए एयर स्ट्राइक को लेकर पाकिस्तान बार बार झूठा बोलता रहा। पाकिस्तान कभी भी इस बात को मानने को तैयार नहीं हुआ कि भारत की तरफ से उसकी सीमा में घुसकर किए गए एयर स्ट्राइक में किसी भी की जान गई है। पाकिस्तान तो यह कहता रहा कि इस एयर स्ट्राइक में केवल कुछ पेड़ गिरे और भारत उसी को अपनी जीत मान रहा है, लेकिन अब पाकिस्तान के झूठ की पोल उसके ही एक राजनयिक ने एक टीवी डिबेट में खोल कर रख दी है। टीवी डिबेट में दिए गए पाकिस्तान राजनयिक के बालाकोट एयर स्ट्राइक को लेकर बयान ने पाकिस्तान का झूठा चेहरा सबके सामने ला दिया है। लापता हुआ पूरा प्लेन, आसमान में गायब होते ही मचा हड़कंप, 59 यात्री थे सवार। खबर इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता के सामने से आ रही है, जहां पर उड़ान भरने के बाद एक फ्लाइट लापता बताई जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक इस फ्लाइट की लोकेशन के बारे में नहीं पता चल सका है। इस विमान में कुल 59 यात्री सवार थे। वहीं अब इस फ्लाइट की खोज के लिए बचाव अभियान शुरू कर दिया गया है। जानिए ट्वीट पर क्यों हो रही है यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव की किरकिरी। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की सोशल मीडिया पर जमकर किरकिरी हो रही है। यूजर्स उनका बैंड बजा रहे हैं। असल में त्रिकुट यात्रा के दौरान भगवान कामतानाथ मंदिर में पूजा अर्चना के बाद अखिलेश यादव ने विजिटर बुक पर अंग्रेजी में लिखना शुरू कर दिया। इस पर महंत ने उन्हें टोक दिया। इसके बाद उन्होंने हिंदी में लिखना शुरू किया। इतना ही नहीं, परिक्रमा के बाद अखिलेश यादव हनुमान मंदिर में घंटा बजाने के लिए उछले, लेकिन घंटा बजा नहीं सके। उसको लेकर ट्वीट पर यूजर्स मजे ले रहे हैं।
कोरोना वैक्सीन को लेकर ब्राजील के राष्ट्रपति ने पीएम नरेंद्र मोदी को लिखा खत। पूरी दुनिया में साल 2020 के शुरुआत के साथ कोरोना ने कहर बरपाना शुरू कर दिया, वह साल 2021 की शुरुआत तक जारी है। हालांकि कुछ देशों में इसके मामले में गिरावट देखी जा रही है, लेकिन अभी भी इस वायरस का प्रसार कई देशों में बेहद तेज है। भारत, अमेरिका, इटली, फ्रांस, ब्रिटेन, साउथ अफ्रीका, ब्राजील जैसे कई देशों तो इस वायरस ने ऐसा तांडव मचाया कि इन देशों की पूरी की अर्थव्यवस्था चरमरा गई। हालांकि भारत इस मामले में अपने आप को सुरक्षित बचाने में कामयाब रहा, लेकिन ब्राजील और अमेरिका जैसे देशों में तो अभी भी इस वायरस का कहर जारी है। मोदी सरकार के प्रयासों का नतीजा, चीन में मालवाहक जहाज पर फंसे भारतीय नाविक 14 जनवरी को लौटेंगे अपने देश। कुछ दिन पहले यह खबर आई थी कि चीन में कई महीनों से 23 भारतीय सदस्यों के साथ मालवाहक जहाज एमवी जग आनंद चीन के बंदरगाह पर फंसा हुआ है। इसको लेकर केंद्र सरकार की तरफ से लगातार हर संभव कोशिश जारी थी इस मालवाहक जहाज और इस पर फंसे लोगों को वापस देश लाया जा सके। अब खबर आ रही है कि मोदी सरकार के प्रयासों की वजह से इन लोगों को भारत वापस आने की रास्ता साफ हो गया है। बता दें कि चीन में प्रशासन की तरफ से कोविड-19 प्रोटोकॉल की वजह से कई तरह के प्रतिबंध लगाए गए थे। मोदी राज्य में अर्थव्यवस्था, WTO ने की पिछले 5 वर्षों में विकास और प्रति व्यक्ति आय में सुधार के लिए भारत की प्रशंसा। विश्व व्यापार संगठन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 5 वर्षों में भारत की 7.4% इकोनॉमिक ग्रोथ, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नीति को उदार बनाने और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार के लिए उठाए गए कदमों की सराहना की है। विश्व व्यापार संगठन ने कहा कि भारत ने व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए 2015 से 2020 के बीच कई उपायों को लागू किया है। निसंतान दंपति बच्चे को गोद लेना चाहते हैं तो पहले पूरी करनी होगी शर्तें। बच्चों को गोद लेने के लिए निसंतान दंपति अक्सर अनाथालय से लेकर अन्य बाल गृहों तक के चक्कर काटते हैं, मगर गोद लेने की जरूरी प्रक्रिया की जानकारी के अभाव में कभी कभी वह धोखाधड़ी के शिकार भी हो जाते हैं। जबकि इसका सीधा और सरल तरीका, इसके माध्यम से वह बच्चे को कानूनी रूप से गोद ले सकते हैं। केंद्र सरकार ने बच्चा गोद लेने के लिए सेंट्रल एडॉप्शन रिपोर्ट्स अथॉरिटी द्वारा गठित की गई है। संस्था महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत काम करती है। संस्था नोडल वाडी की तरह काम करती है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण, राम तक पहुंचे आम जन का पैसा। अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए चलाए जाने वाले विश्व के सबसे बड़े निधि समर्पण अभियान के नाम पर फर्जीवाड़े की आशंका से विश्व हिंदू परिषद पहले से सतर्क है। चंद दिनों बाद 15 जनवरी से विश्व हिंदू परिषद का यह अभियान शुरू होने जा रहा है। इसके माध्यम से देश के 65 करोड़ से अधिक राम भक्तों तक पहुंचने की तैयारी है। इसके लिए 10 लाख टोलियों में 40 लाख से अधिक कार्यकर्ता जुटेंगे। खेल जगत से जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज पर नक्सली टिप्पणी, सिडनी में दी गई भद्दी गालियां। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर एक और बड़ा विवाद सामने आया है। बड़ी खबर यह है कि टीम इंडिया के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज पर नस्लीय टिप्पणी की गई है। सिडनी टेस्ट के तीसरे दिन बुमराह और सिराज ने भारतीय टीम मैनेजमेंट से नस्लीय टिप्पणी की शिकायत की। खबरों के मुताबिक सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में बैठे कुछ दर्शकों ने इन दोनों खिलाड़ियों को भद्दी भद्दी गालियां देते हुए इन पर नस्ली टिप्पणियां की है। भारतीय टीम मैनेजमेंट ने मेथेरेपी के पास इसकी आधिकारिक शिकायत दर्ज कराई है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।